हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक है हाउ कैन कन्वर्ट नेम इन हिंदी इंग्लिश टू हिंदी। क्या कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ लेटर्स बनाना पड़ते हैं, कुछ ऐसा काम करने पड़ते हैं, उसमें इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ता है, खासकर नेम। मैंने किया था एक ऑफर लेटर, एक हमारा शो कॉल लेटर था, कारण बताओ नोटिस, उसको हिंदी में भी प्रिंट करना था, हिंदी से भी भेज देना था। प्रॉब्लम क्या था कि भाई एक मैटर तो हमने क्लियर कर लिया, लेकिन हमारे पास 1200-1300 एम्प्लॉई के नेम्स हैं, तो उन सब नेम को लिखना मुश्किल हो जाएगा हिंदी में। तो मैं चाहता हूं कि मेरा नेम जो है इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या करें? ठीक, ऐसा एक्सेल में पॉसिबिलिटी तो नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे मैं अपना वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मैं अपने चैनल पे डेली 15-20 वीडियोज अपलोड करता हूँ एक्सेल वीवी एक्सेस पावर बीआई टैबलो के बारे में, मतलब कि 15-20 नए टॉपिक्स आपको मिलेंगे और सारे के सारे हमारी ऑनलाइन क्लासेस की होती है। जी हाँ, ऑनलाइन लाइव क्लासेस की वीडियो होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हाउ कैन कन्वर्ट नेम इंग्लिश टू हिंदी। तो हम जो है कुछ नेम के लिस्ट, जैसे ये नेम है, उसी नेम लिस्ट को मैं कॉपी कर लेता हूं नई एक्सेल फाइल में। और मैंने यहां पे इसको पेस्ट कर दिया। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो यहां आपके सामने एक रिव्यू में ऑप्शन होता है ट्रांसलेट का, कोफिंग में यहां ट्रांसलेट का भी ऑप्शन होता है, लेकिन क्या है को ट्रांसलेट, यहां ट्रांसलेट का ऑप्शन है, बट ट्रांसलेट का ऑप्शन क्या करता है कि जस्ट ट्रांसलेट वन बाय वन करेगा। अतुल मेहता ए लेक्ट लैंग्वेज, तो यहां हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया, आ गया। अब इसको यहां पे आप जो है नीचे देख सकते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब यहां पे इसको आप कॉपी करके पेस्ट आपको करे थे, तो वन बाय वन यहां ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास 1000-1500 नेम है तो काफी टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम लगने वाला है। तो इसका और क्या तरीका है? और तरीके के लिए हम यहाँ गूगल पे जा सकते हैं। जी हाँ, और तरीके के लिए हम यहाँ गूगल पे जा सकते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर मैं एक बार में कन्वर्ट यहाँ पे आ गया, तो गूगल में जाने की जरूरत नहीं है, आप यही इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर भाई गूगल ट्रांसलेट पे जाके भी कर सकते हैं आप, बट यहाँ पे देखना यह है कि क्या पूरे के पूरे आता या नहीं आता है रो वाइज। बट यहाँ प्रॉब्लम आ गया कि इसने एक ही सेल में दे दिया, एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया। कन्वर्ट तो कर दिया, बट कॉपी पेस्ट हमने किया तो इसने एक सेल में ही कर दिया। तो कैसे करें? तो इससे तो यहाँ पे कर ही सकते हैं, बट आपके सामने एक गूगल ट्रांसलेट का भी ऑप्शन होता है। इस फाइल को आप अपलोड कर दीजिए गूगल या जीमेल पे, और फिर आप यहाँ गूगल खोलिए, गूगल ड्राइव में या गूगल मेल पे। तो जैसे कि यही सीट है आप हमारा, हमने मान लीजिए मेल पे ओपन किया, कोई फाइल से यहाँ ओपन करते हैं, ओपन किया और यहाँ ओपन भी हम कर देते हैं गूगल सीट।
टाइम लग रहा है। एक नई शीट इंसर्ट कर लीजिए, उस पे आप अपने डेटा को पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट हो गया ना। इस पे एक फॉर्मूला होता है गूगल ट्रांसलेट। सेलेक्ट को सेल को सेलेक्ट कीजिए। अब ये पूछ रहा है कि लैंग्वेज सोर्स लैंग्वेज क्या है, तो इन्वर्टर कमा में दे दिया EN इंग्लिश, और किसमें करना है तो SN मतलब हिंदी, और फिर इसको एंटर मार दीजिए और SI करते हैं। आ गया SI है। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नाम होगा तो उसमें हो सकता है कुछ नाम कन्वर्ट ना करें। देन इसको कॉपी कीजिए और वापस एक्सेल पे आइए और वापस यहां इसके सामने पेस्ट करिए। आ गया सेम फॉर्मेट में। तो इस तरह से हम नेम को ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश या कोई अदर रीजनल लैंग्वेज जैसे कि उड़िया वगैरह है, तो उसका शॉर्ट कोड निकालना पड़ेगा। तो गूगल कीप पे जाकर एक बार देख लीजिएगा इसका कोड क्या है, इसके गूगल ट्रांसलेट फॉर्मूला हेल्प में। हर लैंग्वेज का अलग अलग कोड होता है, ऐसे हिंदी के लिए SI होता है और इंग्लिश के लिए SM होता है। वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक करके बताएंगे। तो वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, या मेरी वेबसाइट iptindia.com पर जाके डेमो क्लास का फॉर्म भरिएगा और मेरे साथ लाइव ऑनलाइन क्लासेस को लीजिएगा। जी हाँ, लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम ऐप के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट एडवांस एक्सेल विथ रिपोर्ट ऑटोमेशन। किसी के तरह से डाउट हो क्वेश्चन हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है। थैंक यू।